फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को 34 साइज पिंचेस का सिंपल ब्लाउज स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अस्तर और फैब्रिक को अटैच कर लिया है सभी पार्ट को। यहाँ पर देखिए सिर्फ हम फ्रंट पार्ट को अटैच नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें अस्तर और फैब्रिक को अलग अलग तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए हमें नीचे से पिंचेस काट को यहाँ से बराबर मिलाते हुए हम सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर देखिए फिनिशिंग के लिए हम ऊपर से सिलाई लगाऊंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए फिनिशिंग सिलाई के बाद यहाँ पर देखिए अस्तर और फैब्रिक को देखिए यहाँ से एक ही साथ में हम यहाँ पर ज्वाइन करूँगे। चाहे तो इसको एक ही साथ में सिल सकते हैं लेकिन यहाँ पर अलग अलग सिलाई किया है। तो अभी देखिए कमर से हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए हमें फैब्रिक में नेक काट नहीं किया है। तो अभी यहाँ पर देखिए अस्तर का साइज के हिसाब से हम यहाँ पर नेक को काट लगा लूँगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट और बैक साइड को एक ही साथ में सिल लिया है। तो अभी यहाँ से बैक को भी हम यहाँ से काट कर लूँगी। बैक साइड की तरफ से ये हुक होगा। उसके बाद हम बैक साइड की तरफ से दांत सिलाई करूंगी और यहाँ से हम काटने के टाइम में यहाँ पर थोड़ा सा नूस लगा कर रखा है उसी के हिसाब से हम यहाँ पर सिलाई करूंगी और यहाँ से हाफ इंच लेकर सिलाई करूंगी। हम उठाऊंगी 2.5 इंच तक। उसके बाद देखिए हम बैक और फ्रंट को ज्वाइन कर लूंगी। यहां पर देखिए हमें शोल्डर में डबल सिलाई कर लूंगी और साइड से एक पीको कर लूंगी। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद अभी देखिए स्लिप सिलाई करूंगी। इसको देखिए सेंटर से हम नूस लगा लूंगी। स्लिप को हम सेंटर से बराबर मिलाकर सिलाई करूंगी। तो यहाँ पर देखिए हमें सेंटर बराबर मिला लिया। तो अभी यहाँ से सिलाई लगाऊंगी। फिर यहाँ पर स्लीव में भी डबल सिलाई करने के बाद हम साइड से पिको कर लूँगी।
दोनों स्लीव का सिलाई कंप्लीट है। अभी देखिए हम इस तरह से स्लीव का साइड की तरफ से मिलाकर हम यहाँ से सिलाई लगा लूँगी किनारे से। और देखिए साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको काट कर लूँगी। तभी दूसरा साइड की तरफ से भी देखिए यहाँ से मिलाकर साइड से सिल लूँगी। तो यहाँ से ज्वाइन करने के बाद देखिए हमें यहाँ पर बैक साइड की तरफ से यहाँ पर सेंटर बराबर मिलाकर काट कर लिया और यहाँ से हुक पट्टी सिलाई कर लूँगी। जिस साइड में हमें हुक का घर बनाना है उसी साइड की तरफ से हम बड़ा वाला पट्टी लगाऊंगी। और ये देखिए इसको उल्टा साइड की तरफ से सिलाई करने के बाद अभी देखिए सीधा साइड की तरफ से हम इसको प्लाट लूँगी। और यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से फुल कर हम सामने की तरफ से यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर देखिए हाफ इंच का लगभग हम और एक सिलाई लगा लूँगे यहाँ से देखिए। दूसरा साइड के हुक पट्टी को देखिए हम सीधा साइड की तरफ से सिलाई करूँगी और इसको उल्टा साइड की तरफ से पलट लूँगी। और यहाँ से भी देखिए हम फिनिशिंग के लिए सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए हुक पट्टी का साइड की तरफ से तभी देखिए इसको हम उल्टा साइड की तरफ से फुल करूँगी और यहाँ से इस तरीके से। फिर देखिए कमर पट्टी सिलाई कर लूँगी और यहाँ से कमर पट्टी को हम हाफ इंच लेकर सिलाई करूँगी। बीच में जाने के बाद हम छोटा सा प्लेट यहाँ पर लगाऊँगी। फिर कमर पट्टी के साइड की तरफ से फिनिशिंग के लिए सिलाई लगाऊंगी। उसके बाद देखिए इसको उल्टा साइड की तरफ से हम इस तरह से फुल करके सिलाई कर लूंगी। चाहे तो आप इस सिलाई को हाथ से भी सिल सकती है सुई धागा से। तो यहाँ पर मैं मशीन के सिलाई रखूंगी। यहाँ पर कमर पट्टी की सिलाई कंप्लीट है तो अभी हम नेक पट्टी सिलाई करूँगी। यहाँ पर देखिए नेक पट्टी का हमें सिलाई काट किया है। तो हम सिलाई करने के टाइम में कॉर्नर में जाने के बाद हम यहाँ पर एक से दो करके प्लेट लगा लूँगी। तो इस तरीके से सीधा नेक पट्टी काट करने से सिलाई करने के टाइम में एक से दो नहीं तो इस तरह से यहाँ पर प्लेट डालकर सीना पड़ता है। नहीं तो ये जब नेक पट्टी को हम हाथ से सिलाई करेगा तब हम यहाँ पर नेक में थोड़ा खिंचाव आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम जो हुक पट्टी सिलाई किया है यहाँ पर नेक पट्टी सिलाई करने के बाद हम यहाँ से इस तरह से बराबर रखूँगी। फिर हम देखिए नेक को छोटा छोटा काट लगा लूँगी बैक साइड और फ्रंट साइड को। तो काट लगाने के बाद यहाँ पर देखिए फिनिशिंग के लिए नेक पट्टी के साइड की तरफ से सिलाई लगा लूँगी। नेक पट्टी को सिलाई करने के बाद यहाँ पर देखिए 34 साइज के हिसाब से यहाँ पर मेजरमेंट ले लिया है। उसी के हिसाब से हम यहाँ पर फिटिंग्स कर लूँगी।
यहाँ पर देखिए 34 साइज सिंपल पिंचेस का ब्लाउज सिलाई पूरा कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आज वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचने के लिए। तो फ्रेंड्स, फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ अगला वीडियो में।